ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेकर लोगों में बहुत प्रकार की भ्रांतियां हैं। स्टेट गवर्नमेंट आपको जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देती है, राज्य सरकार जो भी देती है, यूपी और बिहार वालों को हिंदी में दिया जाता है। लेकिन यह देखा गया है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले एक अलग प्रारूप में अर्थात अंग्रेजी में ही मांगते हैं। यह प्रारूप मैं इस वीडियो के साथ दे रहा हूँ, अगले स्क्रीनशॉट में आपको दिखाऊंगा। आपका जब भी कंप्यूटर से वो निकाल करके देते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उसके बाद आप यह सर्टिफिकेट ले लीजिए और साथ में उनसे कहिए कि इस पे काउंटर साइन कर दें। हाथ से भर करके दीजिए, वो लोग साइन करके दे देंगे। जब भी आप एसएससी या यूपीएससी की परीक्षा में जाते हैं या आईबीपीएस में, तो आपको वही सर्टिफिकेट दिखाना रहता है। यह सर्टिफिकेट आपके तहसीलदार या एसडीओ किसी भी कार्यालय से आप साइन करा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको हर साल अप्रैल महीने में रिन्यू करवा लेना है। इसकी वैधता सिर्फ एक वित्त वर्ष रहती है। वित्त वर्ष का मतलब होता है कि पहले अप्रैल से लेकर के 31 मार्च अगले वर्ष तक। मान लीजिए आपका यह सर्टिफिकेट अक्टूबर 2021 में बनता है, तब भी आपको अगले साल अप्रैल में इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, क्योंकि वैधता इसकी 31 मार्च को समाप्त हो जाती है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने नवंबर दिसंबर में बनवाया है और उनको लगता है कि नहीं, ये हमारी वैधता इसकी बनी रहेगी, तो ऐसा भ्रम ना पालें और हर साल अप्रैल में आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लें। एससी एसटी ओबीसी में जो लोग हैं, वे लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है। आइए हम देखते हैं ये कैसा है।